बाबा ने हम सभी को सहज योगी बना दिया है, हमारा जीवन ही योगी जीवन बन जाए। योगी जीवन अर्थात जिसमें हमारा चित्त सभी के लिए आत्मिक प्रेम से भरपूर हो, जिसमें हमारे मन में सभी के लिए समान रूप से शुभ भावनाएं हों, चाहे कोई कैसा भी हो, हमसे शुभ भावनाओं का दान सबको मिलता रहे। सहज योगी जीवन माना हम विश्व कल्याणकारी स्थिति में सदा स्थित रहें, सदा ये स्मृति रहे हमें सबका कल्याण करना है। योगी जीवन अर्थात सहज रूप से स्वमानधारी, नेचुरल रूप से हम इस फीलिंग में रहें, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, ये संसार मेरे लिए नहीं बना है। योगी माना जो इस संसार से उपराम हो, जिसने चारों ओर के किनारे छोड़ दिए हों, जो अनासक्त रहते हों, जो सदा वैराग वृत्ति में हों, जिन्हें सदा घर जाने की स्मृति रहती हो, ये योगी जीवन जो बहुत सरल जीवन है। योगी जीवन अर्थात मन कहीं भी डिस्टर्ब नहीं, मन इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहा है। तो योगी जीवन अर्थात इस संसार में रहते हुए भी कमल समान न्यारे और प्यारे बन कर रहे, ऐसा योगी जीवन हम सभी को बना लेना है। और इसके लिए ये स्मृति बार बार रखनी होगी कि हमारा ये 5000 साल का खेल, ये लंबी यात्रा अपूर्ण हुई, सब कुछ छोड़कर मुझे अपने घर वापिस चलना है, बाबा आ गया है मुझे ले जाने के लिए। साथ में हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, हम माया के वश न हो जाएं। माया तो बहुत कमजोर है, हम ऐसा संकल्प करें कि माया तो कागज का शेर है और कुछ भी नहीं, हमें ये जितनी बड़ी दिखती है उतनी बड़ी ये नहीं है, और कभी भी माया आ जाए तो बाबा, बाबा को याद कर लें, या बाबा का आह्वान कर लें, या बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर दें, बहुत जल्दी माया परास्त होती हुई नजर आएगी। हमें ये स्मृति रखनी है कि हमने तो कल्प कल्प इस माया को जीता है, माया को जीतना हमारे लिए खेल है। जैसे इस संसार में जो कार्य हमने बार बार किया हो, हजार बार किया हो, उस कार्य को करना कितना सहज और नेचुरल प्रतीत होता है, ऐसे ही इस माया को हमने अनेक बार पछाड़ा है, चाहे काम हो या क्रोध, चाहे अहंकार हो या लोभ, चाहे घृणा ईर्ष्या द्वेष हो या टकराव, ये सब माया के स्वरूप हैं, इन्हें हमने बार बार जीता है। इस श्रेष्ठ स्मृति में हम आएंगे तो माया को जीतने की शक्ति इमर्ज हो जाएगी। अगर हम ये सोचते हैं कि माया को जीतना तो बड़ा कठिन है, माया तो मुझे बार बार हरा देती है, तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हमें ये याद रखना है, मैं मास्टर सर्वशक्ति दीवान हूँ, माया से अधिक शक्तिशाली हूँ और कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति और विजयी होने की स्मृति हमारी विजय की शक्तियों को, विजय के संस्कारों को इमर्ज कर देगी, और उन माया के विकारों पर जिन्हें जीतना कठिन हो रहा है सहज ही विजय हो जाएगी। तो आइए आज इस नशे में रहें, माया को जीत प्राप्त कराने के लिए स्वयं परम सद्गुरु ने हमें शक्तियां और वरदान दी हैं, वो हमारे पीछे है, उसने हमें आशीर्वाद दे दिया है, संकल्प दे दिया है। बच्चे
तुम्हारी माया पर जीत निश्चित है, तो हम जीत के नशे से माया को जीतेंगे और सारा दिन इस नशे में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, माया जीत हूँ, विजयी रतन हूँ, इस माया से अधिक शक्तिशाली हूँ। और साथ साथ स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। मैं नीचे मास्टर सर्वशक्तिमान और सिर के ऊपर है सर्वशक्तिवान शिव बाबा। ऐसे कंबाइंड स्वरूप को देखकर माया हम तक आने का साहस भी नहीं करेगी। ओम शांति।